नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। मेरा नाम बिरजू सिंह है। बिहार विधानसभा चुनाव है और चुनाव से पहले तमाम राजनीतिक दल जो है अपने अपने स्तर से चुनावी समीकरण, जातीय समीकरण बनाने में लगी हुई है। लेकिन इस बीच आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से नेताओं का घर बदल रहा है, किसी का घर वापसी हो रहा है तो कोई अपना मकान बदल रहे हैं। इस बीच एक बड़ी खबर आपने देखी होगी कि जेडीयू के मंत्री श्याम रजक ने भी अपना उनकी घर वापसी हुई थी, क्योंकि पहले आरजेडी में थे, फिर जेडीयू में गए, जेडीयू में भी अच्छा खासा समय उन्होंने बिताया, उनको मंत्री बनाया गया। उसके बाद उन्होंने अपना रुख बदलते हुए फिर से आरजेडी को अपनाया और अपनाते वक्त बहुत सारे आरोप भी लगाए दलित को लेकर कि किस तरीके से दलितों का अपमान होता है, तमाम तरह की बातें हुई। उसके बाद आरजेडी में भी एमएलसी की टूट आपने देखी होगी। लेकिन उन सभी के बावजूद जो वर्तमान स्थिति बिहार के राजनीतिक अपडेट अगर हम आपको बताएं, इस वक्त की बड़ी खबर हो सकती है कि जेडीयू के मंत्री बीमा भारती, जी हाँ, बीमा भारती भी अब पाला बदल सकती हैं, क्योंकि जो खबरें आ रही है कि श्याम रजक के बाद जो है अब जेडीयू में एक बड़ी टूट, ऐसा आरजेडी के तमाम जो नेता हैं वो दावे कर रहे थे कि जेडीयू में भी बहुत बड़ी टूट होने वाली थी। देखिए, दावे तो कर रहे थे, जेडीयू के भी मंत्री विधायक जो है लगातार अभी भी दावे कर रहे हैं कि अगर बैरिकेडिंग हटा दिया जाए तो भगदड़ मच जाएगी। लेकिन भगदड़ भी मची नहीं है, तमाम जो भी हुआ पहले हो चुका है, लेकिन फिलहाल जो अभी की अपडेट है वैसा कुछ हुआ नहीं है। लेकिन आरजेडी के लोग लगातार जो है उनके मन में कहीं ना कहीं कुन्नस था कि जिस तरीके से जेडीयू में लोग जा रहे हैं, उनके विधायक मंत्री पलायन कर रहे हैं, इनके मन में कहीं ना कुन्नस था और इसका बदला जो है कहीं ना कहीं अब लेना शुरू कर चुका है इन लोगों ने। आपको बता दें कि आलमनगर विधानसभा क्षेत्र से अध्यक्ष मंडल हैं जो कि बीमा भारती के पति हैं। अगर बीमा भारती के पति की बात की जाए अध्यक्ष मंडल की, तो एक बाहुबली छवि के लोग हैं उनकी, और उन्हीं के बदौलत बीमा भारती राजनीतिक में कदम रखी थी। और अब ये खबर आ रहा है कि साफ तौर पर अवधेश मंडल ने साफ कर दिया कि अब जो हम आगामी चुनाव को लेते हुए आलमनगर से आरजेडी के टिकट पे चुनाव लड़ेंगे। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि आरोप भी, देखिए इस वक्त उन्होंने एक बीजेपी जेडीयू पे आरोप भी लगाया कि अवधेश मंडल का जो छवि है उसका एक तरह से इस्तेमाल किया जेडीयू ने, लेकिन उनको कुछ नहीं मिला। लेकिन उनकी पत्नी की बात की जाए तो उनको मंत्री बनाया गया। अब जो खबर आ रही है कि उनके बाद, हालांकि उनकी पत्नी ने ऐसा कह दिया कि हम तो जेडीयू से ही चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि हम आरजेडी से चुनाव लड़ेंगे। देखिए, अगर बात की जाए अवधेश मंडल की तो आलमनगर से हैं, ये आलमनगर से इन्होंने विधायक भी बने थे और इस बार भी दावा ठोक रहे हैं आरजेडी के टिकट पर, साफ तौर पर उन्होंने कह दिया। और उनके पति की बात की, बीमा भारती जो है रुपौली विधानसभा से हैं, वहाँ से विधायक हैं, मंत्री भी बनी हैं। लेकिन अब जो खबरें आ रही है कि चूंकि जब शुरुआती दौर की बात की जाए बीमा भारती की, तो अपने पति के बदौलत ही राजनीतिक में इन्होंने पैर रखा था और अब पति जो है कहीं ना कहीं पाला बदलने का निर्णय ले लिया है। और अब जो खबर आ रही है कि जो जिनके भरोसे जिन्होंने उनकी पत्नी जो राजनीतिक में कदम रखे थे, उन्हीं वही लोग अगर पाला बदल रहे हैं, तो साफ है कि आने वाले समय में, अभी तो ऐसा क्लियर नहीं हुआ है, बीमा भारती भी अपना जो है घर बदल सकती है। हो सकता है कि आगामी चुनाव 2020 जो होना है उसमें बीमा भारती जो है आरजेडी के खेमे से वहां चुनावी मैदान में उतरे। इस वक्त की बड़ी खबर है कि एक और आरजेडी के श्याम रजक के बाद बीमा भारती भी अपना पाला बदलने जा रही है। देखिए, इस बात की पुष्टि भारत लाइव नहीं करते, लेकिन सोर्स हैं भारत लाइव के, उसके अकॉर्डिंग में बात कर रहे हैं और सोर्स जो होते हैं बहुत पक्की होती है। तो फिलहाल कितना है, जुड़े भारत लाइव के साथ, नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।